Okay guys, so in this session we are going to learn twin motion properties, right? So in the twin motion properties we will see twinning, color effect, blend or filters. ये कुछ चीजें हैं. लास्ट टाइम मैंने ट्विनिंग का दिखाया था किस तरह से ट्विनिंग करना है, लेकिन ट्विनिंग के साथ साथ ये सब जो प्रॉपर्टीज है ना, कैसे एडिट करनी है, कैसे वर्क करनी है, वो चीज़ मैंने नहीं दिखाया था. तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए, इसके पहले क्या होता है कि जनरली जब मोशन ग्राफिक्स हम लोग बनाते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स में भी करते हैं, कुछ लोग एनिमेट में भी करते हैं, क्योंकि जिनको 2D मोशन ग्राफिक्स करना है वो एनिमेट में जाएगा, जिनको 3D मोशन ग्राफिक और 2D मोशन ग्राफिक दोनों करनी है वो आफ्टर इफेक्ट्स में जाएगा, ठीक है ना? तो दोनों में थोड़ी सी कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पर भी सेम तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट ऐसा एक मैसेज लिखा, ठीक है, हाय, और इसको अलाइन करेंगे. पहले तो इसका साइज छोटा और फॉन्ट भी यहाँ से हमारा चेंज होता है, ठीक है ना? स्टैटिक फॉन्ट है, कैरेक्टर और यस, यहाँ से मिल जाता है, ठीक है? मुझे चाहिए एच कैपिटल, ठीक है, और यस ओके. कलर हम यहाँ से चेंज करते हैं, इसको मैं रेड कलर में रखता हूँ, ठीक है? इसको अलाइन करनी है एग्जैक्ट सेंटर पे, तो हम क्या करते हैं, विंडोज में जाके और यहाँ पे कर लेंगे यूज अलाइन. यहाँ पे ये ऑन होना चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है? और इसको सेंटर में ले आया, तो थोड़ा और छोटा रखेंगे तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा, राइट? तो प्रॉपर्टीज में जानिए, यहाँ पे 300 का है, आप इसको 150 कर दो, थोड़ा छोटा हो गया, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? फिर से जाएंगे अलाइन और यहाँ से कर देंगे सेंटर अलाइन, ठीक है? पहले हम क्या करेंगे, अगर टेक्स्ट का एनिमेशन हमको करनी है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको इंसर्ट की फ्रेम करेंगे इस तरीके से, और जैसे लास्ट टाइम बताया भी था और इस टाइम फिर से बता रहा हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपका क्लासिक ट्विन रेडी हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक. बट मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम का जो एट्रीब्यूट है इसका, वो यहाँ का पोजिशन होना चाहिए, मैं इसको लेफ्ट में ले चलता हूँ इधर, ठीक है? और ये जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके? और ये सेंटर में है तो प्रॉब्लम नहीं है. मैं अगर नॉर्मली टेस्ट करूंगा इसको तो इस तरह से आ रहा है, बट इसमें अभी भी कुछ ऐसा इजी निज आउट और इस तरह का कोई मुझे ना कुछ वेट नहीं दिख रहा है इसके अंदर, या कोई डायनामिक नहीं लग रहा. तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल एनिमेशन है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ता है. इसके लिए आपको ट्विनिंग में पहले ये ऑन करना पड़ता है, क्रिएट ट्विन मोशन करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद जाएंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में यहाँ पर मिलेगा ट्विनिंग, देखें यहाँ पर, ठीक है? ये ट्विनिंग में ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो होता है इजी निज आउट के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज टुगेदर, ठीक है ना? उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे होता है इफेक्ट्स, और ये इफेक्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा इज इन, इज आउट, ठीक है? इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करने को मिल जाता है. तो यहाँ पर जैसे क्वाड है, क्यूबिक है, और ये पूरा का पूरा आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? देखो अभी आप इसको अगर जैसे प्ले करोगे ना, देखे लास्ट में एकदम स्लोली आके रुक गया, राइट? ये चीज इस तरीके से आपको अगर दिखाना होता है तो आपको यहां पर आके इजी निज आउट कंट्रोल करना पड़ता है. जो हम लोग अगर 12 प्रिंसिपल अगर पढ़े होंगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है इजी निज आउट का, वो चीज डायरेक्टली आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो. अगर मैनुअली करना रहेगा तो आप यहां पे क्लिक करोगे और ये आपको मैनुअल यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है? ये सब आपका ग्राफ है, आप डायरेक्टली यहाँ से अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल भी इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है? सेव एंड अप्लाई. तो जैसे मैं यहाँ से प्ले करता हूँ सिर्फ प्रीव्यू पर्पस के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से आ रहा है, ठीक है? ये हो गया इज इन और इज आउट. इसके अलावा आपको लगता है चेंज करने का, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? पहले यहाँ पे जाएंगे
और जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जिसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो ट्विनिंग के अंदर आपका मिल जाता है एसी निज आउट और दूसरा होता है रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन में आपको दो चीज़ मिलता है, एक सी डब्ल्यू और दूसरा सी सी डब्ल्यू। एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये जो काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि कौन से डायरेक्शन से आना चाहिए। ऐ देखिए, ठीक है, बड़े प्यार से एकदम मस्त अच्छे तरीके से ये रोटेट होके आ रहा है। अगर आपको लगता है कि रोटेशन तो कर दिया बट कितने टाइम होने चाहिए, यहाँ पे आप डिसाइड भी कर सकते हो कि कितना टर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज है, 1 टाइम 360 में रोटेट हो रही है, तो मल्टीपल टाइम पे भी हम लोग कर सकते हैं कि 5 टाइम, इतने ड्यूरेशन के अंदर 5 टाइम में ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ, यस, देखिए, ठीक है, काफ़ी फास्ट हो गया। तो ये चीज़ें हम जो 1 रखे थे उसी को हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये आ गया। तो यहाँ पे है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग पाथ पे करेंगे यूज। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करना है, तो ये अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये ट्विनिंग का हो गया। अब यहाँ पे चले जाएंगे कलर इफेक्ट। कलर इफेक्ट मतलब यहाँ पे अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हो, कि अगर स्टार्टिंग में येलो कलर है और बाद में हम चेंज करेंगे इसको व्हाइट कलर में, या फिर स्टार्टिंग में रेड है, मैं यहाँ जाके कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये कलर इफेक्ट में ना ब्राइटनेस होती है, टिंट होती है, एडवांस होती है और अल्फा भी होती है, कि अगर मुझे गायब करनी है तो गायब कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं कलर नहीं देना चाहता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मिल जाएगा अल्फा। तो जैसे अल्फा किया ना, तो 0 हो गया, देखिए इस तरह से आएगा, पहले धीरे धीरे ओपेसिटी हो के फिर ऐसा एंट्री करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वापस अगर आप चेक करेंगे, वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चला गया है। हमने कहाँ पे यूज़ किया था, फर्स्ट फ्रेम में यूज़ किया था, इसको सिलेक्ट किया, फिर ये ऑप्शन आया, राइट, अल्फा का। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जाएं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलर को चेंज करें थोड़ा सा। यहाँ पे टिंट का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप टिंट में देखिए 100% कलर है ब्लैक, आप कलर यहाँ से चेंज करके आप जो कलर चाहो वो कलर में आप डाल दो इसको, ठीक है। तो यस, जो कलर आपको पसंद है वही कलर डालिए। और स्टार्टिंग में आप देखिएगा तो कलर अलग था, ठीक है। पहले का जो ओपेसिटी था ना, मैं इसको निकाल देता हूँ, जिसको कहते हैं अल्फा। यहाँ पे रखता हूँ टिंट, और टिंट को जो है मैं यहाँ पर टिंट के वैल्यू की जगह पे नन करता हूँ अभी। तो ये इस तरीके से था, देखिए रेड से लेके ऑरेंज में टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, रोटेशन, टर्न, हर चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर टिंट करना है तो ठीक है, कुछ एडवांस में लेते हो तो एडवांस का भी ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करो, एडवांस में जाओ, और आपको मैन्युअली चेंज करना है कलर्स, देखिए इसका खेल सकते हैं, परसेंटेज, रेड, ग्रीन, सबका व्हाइट है, तो एक्चुअल वैल्यू आपको थोड़ा एडजस्ट करनी है, देखिए कलर भी यहाँ पे एडजस्ट होती है, ठीक है, कलर डायरेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फा एडवांस का कलर की चेंज हो गया, अगर यहाँ पे चेंज करते हैं कुछ और, तो यहाँ पर भी चेंज होने वाला है, देखिए यहाँ पे रेड की जगह पर, अरे ये ब्लैक की जगह पे व्हाइट हो गया। ठीक है, रेड का है, एक ग्रीन का वैल्यू है हमारे पास, येलो, यस, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो काफ़ी बढ़िया है कलर्स के लिए। यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, बट ब्लेंडिंग पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर जिसमें फिल्टर्स कहते हैं। तो ये फिल्टर इस तरह से वर्क नहीं करता, ठीक है। आपकी फ्रेम पे जाइए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, तो इसके प्रॉपर्टीज खुलेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, फ्रेम में जाओ, या यहाँ पे सिर्फ फ्रेम पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिल्टर, और यहाँ पे फिल्टर में ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको शैडो मुझे यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे है ड्रॉप शैडो, देखिए आप ड्रॉप शैडो देख रहे हैं, ठीक है। और शैडो को थोड़ा सा चेंज करनी है मुझे, तो शैडो का स्ट्रेंथ, एंगल, ब्लर, डिस्टेंस, यहाँ पे सब चेंज हो सकता है, देखिए इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर करनी है, और यहाँ पर जाएंगे और डिस्टेंस के साथ यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन है, तो ब्लर में भी क्वालिटी और ये सब है ऑप्शन, यहाँ से चेंज करके हाई कर दो इसको, देखिए इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पर, जो मोशन ग्राफिक्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपको मिलेगा सिर्फ जब ट्विन में कन्वर्ट करोगे, आपका सिंबल्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, तभी ये सब सारा चीज़ मिलता है। ठीक है, तो ड्रॉप शैडो के अलावा यहाँ पे और भी फिल्टर्स हैं, जैसे ग्लो है, ग्रेडियंट ग्लो है, ठीक है, या फिर ब्लर है। तो ब्लर में चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम डालें, तो इसको सिलेक्ट जैसे करेंगे ना, तो फिल्टर में जाके यहाँ पे कर देते हैं ब्लर, और जैसे ब्लर किया तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, देखो ब्लर का इफेक्ट इस तरह से, यस, काफ़ी स्मूथ होके देखिए आया, ये हो गया ब्लर इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं फिल्टर्स में, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर ले सकते हो आप, बेवेल, एम्बॉस, बहुत सारे हैं। अगर ये फिल्टर मुझे वापस से डिलीट करनी है तो वहाँ जाके इसको मैं ड्रॉप शैडो की जगह पर जो लिया था हमने, तो इसको ये भी रखते हैं, और यहाँ पर अगर मैं दूसरा लेता हूँ फिल्टर और यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ बेवेल, तो देखिए थोड़ा सा 3D का फील आ गया। तो इसमें भी इनर बेवेल, आउटर बेवेल, जो हम लोग नॉर्मली फोटोशॉप में करते हैं वही वाला सेम चीज़ है, थोड़ा स्टाइल चेंज करना होगा। ये तो इसका आ गया ड्रॉप शैडो वाले, इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्वालिटी हाई और मीडियम इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ओके, इसके अलावा भी आपको लगता है कि यहाँ पे ऐड करना चाहिए तो वापस से जाएंगे और यहाँ से दूसरा आप ग्रेडियंट ग्लो, देखिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, फिर यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आप खेल सकते हो। ये बेवल था, इसको बंद कर दिया, ड्रॉप शैडो बंद हो गई, अब ग्रेडियंट ग्लो पे काम करना है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे क्वालिटी के लिए जो हम लोग यूज़ करते थे वही सेम चीज यूज़ करेंगे, स्ट्रेंथ, डिस्टेंस, क्वालिटी, आउटर, ऐसे आउटर साइड में ही रहेगा, ठीक है ना, और थोड़ा क्वालिटी हाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब इसी में कंटिन्यूस आप अलग अलग और भी एनिमेशन आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज अभी जो आपने सीखा, ये सारे प्रॉपर्टी सीखा, कलर, ब्लेंड और फिल्टर, ठीक है, कलर, ट्विनिंग, ट्विनिंग सीखा मेन, और फिल्टर हमने ज़्यादा सीखा, कलर इफेक्ट सीखा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर करना, रिप्लाई हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।